सके जहां तक हो सके इस जानकारी को जरूर पहुंचा दीजिए कि जो खोज हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में की थी वो खोज आज ये साइंटिस्ट कर रहे हैं और हमें अपने ऋषियों की परंपरा के अनुसार कोई भी बालक पैदा होता है तो हमें उसके संस्कार सभी करवाने चाहिए। यदि संस्कार नहीं होंगे तो हमारा राष्ट्र इसी प्रकार से गुलामी की ओर बढ़ता चला जाएगा और मानसिक रूप से बुद्धि के स्तर पर हम गुलाम होते चले जाएंगे। इसमें नौजवान पीढ़ी की मैं ज्यादा गलती नहीं मानता, क्योंकि जिसको बालकपन में ही खून मुंह लग जाए वो वैचारिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, यथा अन्न तथा मन, ऐसा भी कह देते हैं। तो अन्न जैसा खाएंगे वैसा मन हो जाएगा, बुद्धि और चित्त में उसी प्रकार की चीजें हमारे बुद्धि में चली जाएंगी, अर्थात मांसाहारी क्रूर हो जाएगा, अमानवीय गुण उसमें बालकपन से ही विकसित होने लग जाएंगे। ऊपर से उनका पारिवारिक जो है ईसाईकरण या मुस्लिमकरण रहेगा तो वो आसानी से उन बुराइयों को धारण कर ले जाएंगे। हिंदू भी इसका शिकार हो रहे, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे, किसी को पता ही नहीं इनको क्या चटाना है, इनको क्या खिलाना है, कैसे इनका देखभाल करनी है। अगले 2-3 वीडियो में बनाऊंगा किस प्रकार से अपने बालक को वैदिक धर्म और सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा दे और बुद्धि किस प्रकार से उनकी बहुत ज्यादा तीव्र करे बालकपन से। कल भी वीडियो आएगी, परसों भी आने का प्रयत्न करेंगे। मैं पूरा आपको वर्तमान परिस्थितियों समझाने का प्रयत्न करूंगा कि किस प्रकार से हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का, हमारे पालन पोषण के तरीके का विदेशी लोग लाभ उठा रहे हैं। हमें बालक को पैदा होते ही शहद चटा देना चाहिए। शहद में शाकाहार पूर्ण रूप से सृष्टि की जितनी भी मूल मूल चीजें हैं उन सबको समाहित शहद अपने अंदर किए हुए समेटे हुए रहता है, और उसको जब बालक को चटाते हैं तो बालक की बुद्धि में एक मैसेज सदैव के लिए स्टोर हो जाता है कि शाकाहारी चीजें बेस्ट होती है, अच्छी होती है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, बेनिफिट इसका होता है, और हमारे शरीर की संरचना भी शाकाहार के अनुरूप ही बन जाती है उसी समय जब शहद चाटते हैं। उसी समय सारे सेल उसको, हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको, उसी अनुसार हमारा शरीर कार्य प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और इसे हमारा जो स्पर्श होता है ओम का, वो स्पर्श सदैव के लिए मैसेज हमारा फिक्स हो जाता है। और पिता जब कान में बोलता है वेदो असीति, तेरा नाम वेद है और तू वेद का ही पालन करेगा, वैदिक सनातन धर्म का पालन करेगा, ऐसा बालकपन में उसके कान में बोलता है, तो वो जो कान में बोला हुआ पिता का वचन है वो बच्चे के लिए सदैव के लिए उसकी बुद्धि में स्मरण रहेगा, सुरक्षित हो जाता है। आपको पता हो या ना पता हो, आपके जो जिसको सूक्ष्म ब्रेन आजकल कह देते हैं कुछ लोग, उस चित में सूक्ष्म ब्रेन में वो मैसेज सदैव के लिए सेट हो जाता, फिक्स हो जाता है। इससे कहते हैं संस्कार, यहां से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। ये प्रक्रिया तो प्रत्येक घर में होनी ही होनी चाहिए, प्रत्येक हिंदू के घर में होनी चाहिए, और इसका जितना हो सके इस जानकारी का प्रचार प्रसार हमें करना चाहिए। इस ईसाईकरण को रोकने का आज के समय पर युवा पीढ़ी के कंधों पर सारा का सारा कार्यभार है, और इस कार्यभार को तब निभा पाओगे जब आप आउट ऑफ डेट नहीं होगे, आप एक्सपायर नहीं होगे। जो नई नई चीजों का सहयोग लेकर वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, आपको उसको एक्सपोज करना होगा, नौजवानों के पास जाना होगा, माता पिता के पास जाना होगा, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, मित्रों में जाना होगा और बताना होगा कि इस प्रकार से ईसाई जो है धर्मांतरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस राष्ट्र की युवा पीढ़ी को, और जिन्होंने अभी आंखें भी नहीं खुली है उन बच्चों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा। दोस्तों